हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त काजोल। देश के सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 16 को लेकर दर्शक काफी उत्साहित है। हालिया एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क में काफी हंगामा हुआ था, जहां हर कोई कप्तानी के लिए लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। वही अब्दुल रोजिक इस हफ्ते के कैप्टन बने हैं। हालांकि बड़ा क्षण तब आया जब अर्षा गौतम और एमसी स्टैन के बीच लड़ाई छिड़ गई। शुरू में तो लड़ाई बिल्कुल आम लड़ाई जैसी ही लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे लड़ाई का स्तर उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ गया। अर्षा गौतम के कमेंट्स के बाद एमसी स्टैन का गुस्सा फूट पड़ा और वो आग बबूला हो उठे। जैसा कि प्रीकैप में देखा गया है, ऐसा लग रहा है कि स्टैन बेकाबू हो उठे हैं। वो अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं और शो से बाहर निकलने के लिए प्लान कर रहे हैं। शो से बाहर जाने के लिए वो हिंसक हो रहे हैं। अपनी ओर से स्टैन संपत्ति को लात मारते हुए देखा गया है। साजिद खान उन्हें ये बताते हैं कि यदि वास्तव में उन्हें शो छोड़ना है तो वो उस शख्स को सिर्फ थप्पड़ मार सकते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें शो छोड़ना है। इन पूरी एक्टिविटी में खुद बिग बॉस अपना स्टैंड लेते हैं और सभी को गार्डन एरिया में खड़े होकर स्टैन और गौतम दोनों को फटकार लगाते हैं। चलिए अब पूरा मामला समझ लेते हैं कि क्या है। स्टैन और अर्चना की लड़ाई के बाद स्टैन अर्चना के बिहेव से नाराज रहते हैं। वे साजिद, शिव और निम्र से कहते हैं कि अगर मुझे सलमान सर ने गलत कहा तो मैं गलती मान लूंगा। अगर अर्चना की गलती होने के बाद भी कुछ नहीं कहा तो मैं उसी वक्त कुछ नहीं करूंगा, सुबह के एंथम में भी नहीं आऊंगा। इसके बाद साजिद स्टैन को खाना खाने के लिए कहते हैं, लेकिन स्टैन मना कर देते हैं। वही स्टैन कहती है कि मुझे वॉलंटियर एग्जिट लेना है। हरियाणवी क्वीन सपना चौधरी आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सपना चौधरी ने स्टेज शो करते करते अपने करियर को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि आज सपना चौधरी एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड है। सपना ने अपने करियर में खूब ठोकरें खाई हैं। उन्होंने छोटे छोटे स्टेज शो कर अपने लिए एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उन्हें स्टेज शो करने के दौरान लोगों के ताने और गुस्से का भी शिकार होना पड़ा, लेकिन एक्ट्रेस के जज्बे ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दी। इन दिनों इंटरनेट पर सपना चौधरी का एक पुराना वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जहां पर स्टेज शो के दौरान उन पर पत्थरबाजी होते नजर आती है। लेकिन इस पत्थरबाजी का जवाब सपना चौधरी ने बड़े धाकड़ अंदाज में दिया है। दरअसल जब सपना चौधरी स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी तो उस दौरान पीछे से उन पर एक पत्थर फेंका जाता है। ऐसे में सपना अपनी परफॉर्मेंस रोकते हुए माइक लेती है और कहती है, ये जो गलती हुई है आगे से मत करना, अच्छा नहीं लगता। मैं भी आपकी माँ बेटी जैसी हूँ। एक स्टेज पर नाचने से ये नहीं हो जाता कि मैं अलग हो गई, और अगर किसी की हिम्मत हो ना तो वो स्टेज पर आकर नाच कर दिखाए। सपना चौधरी आगे कहती है, अब की बार पत्थर बिल्कुल मत मारना, क्योंकि ये पत्थर खाते खाते मैं इतनी बड़ी हूँ। रोना आता है जब आप लोग पत्थर मारते हैं। नाच के देख भाई, यहाँ पर दो ठुमके मार के देख, होश ठिकाने आ जाएंगे। क्या मिलता है आपको करके, कुछ बात नहीं होती। पत्थरबाजी करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए सपना चौधरी ने अपने जज्बे की धमक फिर से एक बार दिखाई है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार शाहरुख खान 5 साल के लंबे इंतजार के बाद फिल्म पठान के जरिए कमबैक के लिए पूरी तरह से तैयार है। हर कोई पठान के ट्रेलर के लिए बेताब दिख रहा है। इस बीच मेकर्स ने पठान के ट्रेलर को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ा दी है। जी हाँ, बुधवार को पठान के मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पठान का ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है। सुपरस्टार शाहरुख खान किंग खान की पठान के टीजर ने फैंस के उत्साह को पहले ही काफी ज्यादा बढ़ा रखा था। इस बीच अब ट्रेलर की रिलीज डेट अनाउंसमेंट से पठान एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। बुधवार को मशहूर फिल्म समीक्षक तरुण आदर्श ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर पठान के ट्रेलर के रिलीज डेट की जानकारी दी। तरुण के मुताबिक पठान का ट्रेलर अगले सप्ताह 10 जनवरी 2023 को रिलीज किया जाएगा। एक्शन से भरपूर पठान के इस ट्रेलर को देखने के लिए आप भी अब तैयार हो जाए। बता दें कि फिल्म पठान इसी महीने 25 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, तो वाकई मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि आप सभी लोग पूरी तरह से तैयार होंगे। बहुत सारे एडवांस बुकिंग का इंतजार भी कर रहे होंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहिए बॉलीवुड गपशप के साथ।